मैं उसमें अपना स्वर मिलाता हूं। सुषमा जी के व्यक्तित्व के अनेक पहलू थे, जीवन के अनेक पड़ाव थे, व्यवस्था के तहत एक अनुशासन के तहत जो भी काम मिले उसको जी जान से करना और व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाई प्राप्त करने के बाद भी करना, जो भी अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं उन सब के लिए इससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती है जो सुषमा जी के जीवन में हमने अनुभव किया है। इस बार जब उन्होंने लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया, एक बार पहले भी ऐसा फैसला किया था, और वो अपने विचारों में बड़ी पक्की रहती थी, तो मैं और वेंकैया जी उनसे मिले। उन्होंने मना किया, लेकिन जब कहा कि आप कर्नाटक जाइए और एक विशेष परिस्थिति में इस मुकाबले में जीते, परिणाम करीब करीब निश्चित था, लेकिन ये चुनौती भरा काम था, पार्टी के लिए मुझे करना चाहिए, एक पल का भी ना कहे बिना उन्होंने उसको किया। परिणाम निश्चित था फिर भी किया। इस बार मैं उनको बहुत समझाता रहता था कि आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे आप एक बार, लेकिन इस बार वो इतनी पक्की थी और उनको भी पता था कि शायद कहीं पीछे से मुझ पर दबाव आ जाएगा, इसलिए उन्होंने सार्वजनिक घोषणा कर दी ताकि कोई किसी का दबाव चले ही नहीं। यानी वो अपने विचारों की पक्की भी थी और उसके अनुरूप जीने का प्रयास भी करती थी। आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई मंत्री या कोई सांसद नहीं रहता है, मंत्री नहीं रहता है, लेकिन सरकार को उसका मकान खाली कराने के लिए सालों तक नोटिस पर नोटिस भेजनी पड़ती है, कभी कोर्ट कचहरी तक होती है। सुषमा जी ने एक प्रकार से सब कुछ समेटने का तय ही कर लिया था। चुनाव नतीजे आए, उनका दायित्व पूरा हुआ, पहला काम किया मकान खाली करके अपने निजी निवास स्थान पर वो पहुंच गई। सार्वजनिक जीवन में ये सब चीजें बहुत कुछ कह जाती है। सुषमा जी का भाषण प्रभावी होता था, इतना ही नहीं है प्रेरक भी होता था। सुषमा जी की वक्तृत्व में विचारों की गहराई हर कोई अनुभव करता था, तो अभिव्यक्ति की ऊंचाई हर पल नए मानक पार करती थी। कभी कभी दोनों में से एक होना तो स्वाभाविक है, लेकिन दोनों होना बहुत बड़ी साधना के बाद होता है। वे कृष्ण भक्ति को समर्पित थी, उनके मन मंदिर में कृष्ण बसे रहते थे। हम जब भी मिलते थे तो वो मुझे जय श्री कृष्ण कहती थी, मैं उनको जय द्वारकाधीश कहता था। लेकिन कृष्ण का संदेश वो जीती थी, वो उनकी इस यात्रा को अगर एक पूर्ण रूप से देखें तो लगता है कर्मण्येवाधि कारस्ते क्या होता है सुषमा जी ने जीवन में दिखाया था।
अब जीवन की विशेषता देखिए, एक तरफ शायद उन्होंने सैकड़ों घंटों तक अलग अलग फोरम में जम्मू कश्मीर की समस्या पर बोला होगा, धारा 370 पे बोला होगा, हर फोरम में बोला होगा, एक प्रकार से उसके साथ वो जी जान से हर भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रभक्त विचार के कार्यकर्ताओं के लिए इतना जुड़ाव था उस मुद्दे पर। जब जीवन का इतना बड़ा सपना पूरा हो, लक्ष्य पूरा हो और खुशी समाती ना हो, सुषमा जी के जाने के बाद जब मैं बांसुरी से मिला तो बांसुरी ने मुझे कहा कि इतनी खुशी खुशी वो गई है जिसकी शायद कोई कल्पना कर सकता है। यानी एक प्रकार से उमंग से भरा हुआ मन उसका नाच रहा था और उस खुशी में ही उस खुशी के पल को जीते जीते वो श्री कृष्ण के चरणों में पहुंच गई। अपने पद को अपनी व्यवस्था में जो काम मिला उसमें श्रेष्ठ परंपराओं को बनाते हुए समकालीन परिवर्तन क्या लाना, ये उनकी विशेषता रही है। आमतौर पर विदेश मंत्रालय यानी कोट पैंट टाई प्रोटोकॉल इसी के आसपास प्रोटोकॉल की ही दुनिया, हर विदेश मंत्रालय की हर चीज में प्रोटोकॉल सबसे पहले होता है। सुषमा जी ने इस प्रोटोकॉल की पूरी परिभाषा को पीपल्स कॉल में परिवर्तित कर दिया। वसुधैव कुटुंबकम विदेश मंत्रालय कैसे सिद्ध कर सकता है, उन्होंने विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय के माध्यम से उनके साथ उस निकटता को जोड़ करके उनके सुख दुख का साथी हिंदुस्तान है, उसके पासपोर्ट का रंग कोई भी क्यों न हो, उसकी रगों में अगर हिंदुस्तानी खून है तो वो मेरा है, उसकी उसके सुख दुख उसकी समस्या ये मेरी समस्या है, ये पूरे विदेश मंत्रालय के चरित्र में परिवर्तन लाना बहुत बड़ा काम था और इतने कम समय में वो परिवर्तन लाई। विदेश मंत्रालय का एम्बेसीज का मिशन का मिशन में बैठे हुए लोगों का इतना बड़ा बदलाव करना कहने में बहुत सरल लगता है लेकिन पल पल एक एक चीज को गढ़ना पड़ता है जो काम सुषमा जी ने किया। एक समय था आजादी के 70 साल करीब करीब देश में करीब करीब 70 पासपोर्ट ऑफिस थे, 77 एक प्रकार से हम कहे। सुषमा जी के कालखंड में मंत्रालय जनता के लिए होना चाहिए, इसका परिणाम यह था कि 70 साल में 77 पासपोर्ट ऑफिस और 5 साल में 505 ऑफिस पासपोर्ट की, यानी कितने बड़े स्केल पे काम होता था और ये काम सुषमा जी सहज रूप से करती थी। उम्र में मुझसे छोटी थी, शारीरिक मर्यादाओं से वो जूझती भी रहती थी, जिम्मेवारियां निभाती भी रहती थी, उम्र में भले मुझसे छोटी थी लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहूंगा कि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। विदेश मंत्रालय की कुछ परंपराएं बहुत उत्तम प्रकार की परंपराएं हैं। मैं नया नया था,
यूनाइटेड नेशंस में मेरा भाषण होना था, पहली बार जा रहा था, सुषमा जी पहले पहुंची थी और जैसा मेरा स्वभाव रहता है कि मैं बैक टू बैक काम करने की आदत रखता हूं, तो मैं पहुंचा तो वहीं गेट पे वो रिसीव करने के लिए खड़ी थी। तो मैंने कहा चलो अपन अभी बैठ लेते हैं, कल सुबह मुझे बोलना है, बताइए क्या करना है। तो सुषमा जी ने पूछा आपकी स्पीच, मैंने कहा बोल देंगे चले जाएंगे क्या है। तो क्या ऐसा नहीं होता है भाई, ये दुनिया में भारत की बात करनी होती है, आप अपनी मनमर्जी से नहीं बोलते। मैं प्रधानमंत्री था, वो मेरी विदेश मंत्रालय को संभालने वाली मेरी साथी मंत्री, वो किसी कह रही अरे भाई ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहा भाई मैं तो कभी न लिखता हूं और लिखने करके पढ़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, मैं अपना बोल लूंगा। उन्होंने कहा जी नहीं, रात को ही मेरे से, मैं इतना ट्रैवलिंग करके गया था, मेरे नवरात्रि के उपवास चल रहे थे, रात को ही वो भी बैठी, आप बोलिए विचार बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं, हम उसको लिखते हैं। सबने लिखा, ड्राफ्ट स्पीच रात को ही तैयार हुई, सुबह मैंने उसको देख लिया। उनका बड़ा आग्रह था कि आप कितने ही अच्छे वक्ता क्यों न हो, आपके विचारों में कितने ही साध्यता क्यों न हो, लेकिन कुछ फॉरम होते हैं जिसकी अपनी मर्यादाएं होती है और जो आवश्यक होती हैं। ये सुषमा जी ने मुझे पहला ही सबक सिखा दिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि एक साथी के पास ये हौसला होता है कि अच्छा जिम्मेवारी कोई भी हो, लेकिन जो आवश्यक है उसको बेरोक टोक कहना चाहिए। सुषमा जी की एक विशेषता है, यहां कोई लोग बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं शायद, वे मृदु थी, वो नम्र थी, वो ममता से भरी थी, सब था, लेकिन कभी कभी उनकी जबान में पक्का हरियाणवी टच भी रहता था। हरियाणवी टच के साथ बात को फटाक से कहना और उसमें टच से मस न होना भीतर से कन्विक्शन के रूप में प्रकट होता था, ये उनकी एक विशेषता थी और ये सार्वजनिक जीवन में बहुत कम होता है। गुड़ी गुड़ी बात करने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़े तो कठोरता पूर्वक चीज को रखना, और तब मेरे लिए कौन क्या सोचेगा उसकी चिंता करने के बजाय, इस समय अगर गलत निर्णय हो गया तो नुकसान होगा, मुझे इस गलत निर्णय से बचाना चाहिए, पार्टी को बचाना चाहिए, साथियों को बचाना चाहिए, परिस्थिति को संभालना चाहिए, इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए कभी हरियाणवी भाषा का भरपूर उपयोग करना पड़े तो कभी संकोच नहीं करती थी। विविधताओं से भरा व्यक्तित्व था, जिम्मेवारियों को निभाने के लिए अपने आप को कसना, अपने आप को हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में समर्पित भाव से कार्य करता रहना, एक उत्तम कार्यकर्ता के रूप में, एक श्रेष्ठ साथी के रूप में बहुत कुछ देकर के गई है, बहुत कुछ छोड़ करके गई है। सुषमा जी नहीं है, विरासत और अमानत हमें दे के गई है, उस विरासत और अमानत को